हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स विद इल्मा खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। चलिए अपना ब्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मिलिए हमारी आरिफा से। ऐसे इंट्रोडक्शन दे रही है तो बहुत नहीं हूँ मैं। ये देखिए आइसक्रीम ये लाई है हमारी नानी जी बनाकर। और पता है आपको ये किसकी है? बताओ आरिफा, क्या तुम्हें पता है? ये है रब्जा की आइसक्रीम। रब्जा देश कितना आगे बढ़ चुका है ना, हमारी जिंदगी बस रब्जा ही बचा गर्मियों के लिए। और ये मेरी प्यारी बहन जो बेताब है, लग रही है आइसक्रीम। वाओ, कितनी अच्छी लग रही है ना। ओ, वो कितना प्यारा शेड है। हाँ सच में, खा के बताओ। मस्त है, एकदम रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना, मैं भी खाऊंगी। हेलो, लो लो पॉपसिकल। रुको एक मिनट, देखो बहुत स्ट्रगल है। सो मच स्ट्रगल, सो मच पेन। उई उई, देखो भाई सब कुछ सिखाना पड़ता है, है तो है स्ट्रगल लाइफ में। और ये देखिए मेरी आई है ये वाली। अच्छा लग रहा ना, कितना क्रिस्टल लग रहा है इसका लुक। अच्छा, सच में अच्छा है, रिफ्रेशिंग है बहुत ज़्यादा। नानी लेकर आई है और नानी को पता नहीं था मोहम्मद मुनी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम इसलिए अब छत पर बैठ के खा रहे हैं। चलो खाओ भाई। अरे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना तो भूल ही गई, मैं नुमाइश से क्या लेकर आई थी पता है आपको? मैं लेकर आई थी कैंडी, तो मैंने अभी तक वो टेस्ट भी नहीं करी है, तो चलिए टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं वो कैसी है। ओके, मैं निकाल लेती हूँ। तो वो ये है, इसके अंदर है सारी कैंडी। ज़्यादा नहीं लाई, कौन खाएगा इतना मीठा। तो जो पहली लाई थी वो थी ये स्टार। अच्छी लग रही ना मेरे को, ये बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने सोचा ले लेते हैं, कभी ना कभी काम आ जाएंगी। और ये वाली पर्ल वाली प्यारी लग रही थी बड़ी, मैंने ये भी ले ली। और ये आई थिंक इमली वाली है, ये तो ये ली थी। और ये पापा जी को बड़े पसंद आए थे नारियल के लड्डू, तो ये पापा जी ही खाएंगे क्योंकि मैं नहीं खाने वाली, ये मीठे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी इसमें से बस ये ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि मीठा खाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो ये देखते हैं खाकर कैसा है कैसा नहीं है और आपको भी बताते हैं। चलो टेस्ट करते हैं। बहुत स्ट्रगल है लाइफ में सच में। तो ये रहा, चलो टेस्ट करते हैं। तो ये इमली की कैंडी है और इसका टेस्ट इमली जैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत टाइम बाद, मतलब पूरी खाने के बाद लग रहा है अच्छा इमली की थी। पसंद नहीं आई मुझे, आधी खाऊंगी, आधी आरिफा को दे देती हूँ और बाकी खाने का मन नहीं है। बाकी पापा और मोहम्मद मुनीर को दे देंगे, पापा को दे देंगे लड्डू और बाकी अपने काम में ले लेंगे। बस ये लेकर आई थी मैं। आज हमारी आरिफा ने इतनी मेहनत से काम किया कि बेचारी को फीवर ही आ गया। दिखाऊं मैं आपको कितना काम किया है उसने आज, दिखाती हूँ। ये देखिए आरिफा ने ये ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनाई है, आर्ट पीस। और एक और है जो कि है ये, लेकिन इसको पेंट करना रह गया है अभी। ये देखिए प्यारी है ना। तो अब इसके आर्ट पीस को, जो सेकंड वाला है जो रह गया है, उसको मैं पेंट कर देती हूँ। बड़ी बहन होने के नाते मेरा ये फ़र्ज है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी हेल्प कर देती हूँ मैं। तो चलिए सेकंड पीस हम उसको कलर करते हैं। तो अब मैं बैठ गई हूँ पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए, मतलब उस पर कलर करने के लिए। तो चलिए अपना कलर बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। Thank you.
पेंटिंग कंप्लीट हो गई हमारी। अभी कुछ टाइम ये देखिए 11:51 हो रहे हैं और अब पेंटिंग कंप्लीट हो गई। दिखाती हूँ कैसी लग रही है। ये देखिए प्यारी लग रही है ना। अब ये देखिए ये देखिए ये फैलावा अभी हमें समेटना है। तो फ्रेंड्स रात हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई थी और मैंने कंप्लीट करने के बाद मैं तो मतलब जल्दी से सो गई थी क्योंकि बहुत रात हो गई थी और फिर दिन में कुछ शूट नहीं किया ज़्यादा। और अब देखिए यहाँ का मौसम कितना प्यारा हो रहा है ना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी हो रही थी। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ बहुत प्यारी सी, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे एलोवेरा ठीक हो गए। ये इतनी ज़्यादा खुशी है ना मुझे इस बात की, देख रहे हो हरे भरे माशाल्लाह। इतनी ज़्यादा खुश हो गई मैं देखकर इनको, मतलब हमने मैंने जो प्रण लिया था वो पूरा कर ही लिया आखिरकार, मतलब माशाल्लाह अब अच्छे हो गए हैं। तो बहुत खुशी है इस बात की मुझे। तो बस अपने ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।